दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ओवरऑल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद मिल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया ताकि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत के हिसाब से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हो सके। तो जैसा मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली में इस वक्त जितने हॉस्पिटल जितने बेड्स फंक्शनल हैं कोविड के लिए उनमें करीब 700 एमटी मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली के हर हॉस्पिटल में अगर मिल जाए तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, और आगे बढ़ाना है हमको तो उसके लिए 976 चाहिए। अभी पिछले दिनों 5 मई को दिल्ली को पहली बार 730 टन ऑक्सीजन मिला, उसके लिए हम केंद्र सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद फिर से कल मतलब 6 तारीख को 577 मीट्रिक टन मिला और कल 487 मीट्रिक टन 487 मीट्रिक टन मिला है। 487 मीट्रिक टन के बेस पर हमारे लिए हॉस्पिटल्स की सप्लाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लगभग 700 मीट्रिक टन की डिमांड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की डिमांड को, दिल्ली की ज़रूरत को पूरा किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जिस समय अब हमको 700 मीट्रिक टन करंट पेशेंट्स जो हमारे भर्ती हैं उनके लिए चाहिए, उसमें कंप्रोमाइज़ करना उन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। हालांकि सरकार का प्लान है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना और उसके लिए हमें और भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन करंट डिमांड, करंट जो ज़रूरत है हॉस्पिटल की वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को, 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी जब तक इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। हम रोज़ाना अपने हॉस्पिटल से बात करके नीड्स का असेसमेंट करते हैं, एक एक पेशेंट का हिसाब रखते हैं कि किस तरह से कितने पेशेंट्स कहाँ पर भर्ती हैं, कितने बेड्स कहाँ पर हैं, उसके हिसाब से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के हिसाब से ही ऑक्सीजन की खपत का एक आकलन किया जाता है। और वो 700 टन अभी इस वक्त दिल्ली में है। तो मैं फिर से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस तरह से एक दिन उन्होंने सहयोग किया और दिल्ली को पहली बार 700 से ज़्यादा टन ऑक्सीजन मिली, हालात इसी तरह रहने तक 700 टन तो कम से कम सुनिश्चित करके रखें। उसके अलावा भी ज़रूरत है लेकिन 700 टन कम से कम सुनिश्चित करके रखें, यही आपके सामने रखना। नहीं, स्टेट्स में तो सब जगह ज़रूरत है, जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं सब जगह ज़रूरत है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि दिल्ली में भी ज़रूरत है। और दिल्ली में करंट नीड जो आज की तारीख में बेड्स जितने चल रहे हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के लिए 700 मीट्रिक टन तो उनको ठीक से चलाने के लिए चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इंडिया इज़ एन ऑक्सीजन सरप्लस कंट्री, हमारे पास में पूरी डिमांड करीब 7,500-8,000 टन की है लेकिन 10,000 टन रोज़ाना का उत्पादन है। तो अगर 10,000 टन उत्पादन है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में सहयोग चाहिए। अगर ईस्ट कोस्ट से यहाँ लाने में जो सहयोग एक बार मिला 730 टन को, उसी तरह का सहयोग मिलता है तो दिल्ली की भी नीड पूरी हो सकती है और बाकी राज्यों की भी हो सकती है। अभी बाकी राज्यों और सब राज्यों से ज़्यादा उत्पादन हमारे देश में हो रहा है।